ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भगवान इन कुछ श्लोकों में जीव की बद्ध अवस्था कैसे प्राप्त हुई उसके बारे में बताते हैं। क्यों भगवान का अंश शुद्ध जीव इस भौतिक जगत में अबद्ध हो गया, उसके कौन कौन से कारण हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में 6 प्रश्न पूछे थे। प्राकृतिम पुरुषम चैव क्षत्रम क्षत्रम एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम गेयम च केशवा। भगवान कई प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का विषय क्या है यानी ज्ञेय क्या है। अभी अर्जुन की दो जिज्ञासाएं पुरुष और प्रकृति के बारे में, अभी इस श्लोकों में पुरुष के बारे में भगवान बता रहे हैं, प्रकृति के बारे में आगे आने वाले श्लोकों में भगवान कहेंगे। पुरुष यानी जीवात्मा। जिस प्रकार इस शरीर में दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक आंशिक क्षेत्रज्ञ और एक पूर्ण क्षेत्रज्ञ, उसी प्रकार इस शरीर में भी दो पुरुष हैं। एक है जीवात्मा, उसे सामान्य पुरुष कहते हैं, और एक है परमात्मा जिसे परम पुरुष कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्वे, जो भी इस प्रकृति में कार्य और कारण, कार्य यानी कि प्रभाव परिणाम, अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्ट, कारण यानी कि किसी भी कार्य के पीछे जो भी हेतु है उसे कहते हैं कारण या कॉज। तो कार्य और कारण के सारे सिद्धांत इस प्रकृति में घटित होते हैं, पुरुष में नहीं। जो भी विकार होते हैं, सुख दुख मोह शोक और भी अन्य प्रकार के विकृतियां होती हैं, सारी विकृतियां इस प्रकृति में घटित होती हैं, आत्मा में नहीं। जो हमने पहले देखे थे, प्रकृति जब मैं भी बोलता हूँ इसका अर्थ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और ऐसे 24 तत्वों से निर्मित यह जगत। तो इसी संसार से निर्मित यह शरीर भी है। भगवान कह रहे हैं कि यह प्रकृति विकार जनित है, लेकिन इसका विपरीत जो आत्म तत्व है, जो पुरुष है, उसमें कोई विकृति नहीं होती। लेकिन शरीर से आसक्ति के कारण, प्रकृति से तदात्म्य होने के कारण, जैसे मानो किसी का धन से बड़ा मोह है तो धन चले जाने से कहता है मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। और यदि किसी का शरीर से बहुत आसक्ति है, शरीर को सुख उपलब्ध होने से, शरीर के सुखी होने से वो सोचता है मैं सुखी हो गया, एक चाय पीने से सोचता है मज़ा आ गया। यानी ये जो सुख और दुख की अनुभूति करने वाला है ये कौन है, ये आत्मा है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, इस संसार में सुख और दुख का अनुभव करने वाला आत्मा है। लेकिन कौन सा आत्मा, बद्ध आत्मा, वह आत्मा जो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। प्रकृति
समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और पुरुष यानी जीवात्मा इस संसार में सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। यानी इंद्रियां हमारी इच्छाओं की पूर्ति के साधन हैं, एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। पुरुष यानी जीवात्मा इच्छाएं करता है और उस इच्छाओं के तद अनुरूप ही हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं शरीर से घटित होती हैं, लेकिन फल किसे भोगने पड़ते हैं? आत्मा को भोगने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप किसी वाहन में जा रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो यद्यपि उस दुर्घटना के पीछे वाहन भी एक कारण है, क्योंकि वाहन ने दूसरे वाहन को टक्कर मारा या किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे ठोकर मार दी उसने, साथ ही साथ उसका जो चालक है वो भी एक कारण है। तो यद्यपि दुर्घटना की क्रियाएं वाहन के द्वारा संपन्न की गई हैं, लेकिन उस दुर्घटना का जो दंड है वो चालक को दिया जाता है। उसी प्रकार हम समस्त प्रकार के, चाहे शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, क्रियाएं तो हम शरीर से करते हैं लेकिन दंड आत्मा को भोगने पड़ते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुष प्रकृतिरस्थो हि भुंते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृतिरस्थो हि भुंते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवान बताते हैं क्यों पुरुष को कभी उत्तम योनि प्राप्त होती है और क्यों कभी उसे अधम योनि प्राप्त होती है। यानी उच्च योनि और निम्न योनि पाने के पीछे कारण क्या है। तो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से भगवान कहते हैं, पुरुष प्रकृतो अस्थो ही, यह पुरुष यानी जीवात्मा प्रकृति में स्थित है, यह शरीर भी एक प्रकृति का अंश है। पुरुषों प्रकृतो अस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, लेकिन इसमें भोग करने की आकांक्षा होती है। इस भोग करने की इच्छा से प्रेरित जीवात्मा को कई प्रकार के भौतिक शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। यानी देहांतरण का मूल कारण क्या है? भोग करने की इच्छा। कारणम गुण संगो अस्य, कारण क्या है? प्रकृति के गुणों के साथ संग करने की इच्छा। चाहे सतोगुण का संग करें, सात्विक शरीर प्राप्त होगा, देवता का शरीर उपलब्ध होगा। राजसिक प्रकृति के गुणों का संग करेंगे, राजसिक मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। और तामसिक गुणों का संग करेगा यदि जीवात्मा या पुरुष, उसे तमोगुणी निम्न योनि पशु पक्षी कीट कीड़े मकोड़े का शरीर प्राप्त होगा। तो पुरुषो प्रकृतो अस्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्यो सद असद। कभी सत योनि, सत यानी कि ऐसी योनि जहाँ सुख की प्रचुरता होती है उसे उच्च योनि कही जाती है, देवताओं की योनि। असद योनि यहाँ दुख की प्रचुरता होती है, दुख की बहुलता होती है, असद योनि को प्राप्त करने पड़ते हैं। इसमें जीवात्मा का कोई अधिकार नहीं है, प्रकृति उसे बस विवश करती है। उदाहरण स्वरूप, मानो किसी जीवात्मा को उसके दुष्कर्मों के कारण एक कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, अब उस कुत्ते के शरीर में बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुकूल यानी कुत्ते के स्वभाव के अनुसार आचरण करता है और विगत पूर्व जन्मों के सारे स्मृतियों को भूल जाता है। तो यद्यपि जीवात्मा दिव्य है, आध्यात्मिक है, लेकिन प्रकृति के भीतर स्थित होने के कारण, जैसे हाथ, मानो मैं किचन में गया, मैंने चिमटे से एक गर्म तवे को पकड़ लिया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चिमटे ने तवे को पकड़ लिया, लेकिन चिमटा स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता, चिमटा को मैंने पकड़ा है, यानी हाथ ने चिमटे को पकड़ा है। लेकिन हाथ भी तभी पकड़ सकता है जब मन सहयोग करे। यदि मानो आप एब्सेंट माइंडेड हो, मन कहीं और है, तो रोटी जल जाए, आप कुछ नहीं करने वाले। यानी जब मन प्लस हाथ प्लस चिमटा, फिर जाकर आप कुछ पकड़ सकते हो। वैसे ही आपकी बुद्धि भी सक्रिय होनी चाहिए, लेकिन इनके पीछे भी जो प्रेरक बल है वो है आत्मा।
यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो ना तो बुद्धि कार्य करेगी, ना मन, ना हाथ, और चिमटा धरा का धरा रह जाएगा, चिमटा उठाने की भी शक्ति नहीं होगी। तो अभी हाथ चैतन्यवत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथ में चेतना है, क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर में भी उपस्थित हूँ। लेकिन जो ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये हाथ जो पहले सक्रिय था निष्क्रिय बन जाता है। वही चिमटा, पहले ऐसा लगता था चिमटा पकड़ रहा है कुछ, अभी चिमटा कुछ नहीं कर सकता। तो उस हाथ में और उस चिमटे में कोई वस्तुतः भेद नहीं रहता। एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये शरीर निष्प्राण हो जाता है। पंचभूत का निर्मित यह शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मकल्याण में लगता है। तो जब तक पुरुष को यानी कि जीवात्मा को इस संसार में, इस प्रकृति में स्थित है और प्रकृति में सुखी होने की कामना है, यानी जब तक वो गुणों के वशीभूत है, चाहे वो तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो या सतोगुण हो, उसे देहांतरण करना होगा। एक दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे मुझे भूख लगी है। भूख किसे लगती है? वस्तुतः भूख एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर में, ये शरीर जो पंचभूत का बना हुआ है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, तो जिससे भूख की अनुभूति आत्मा को ही होती है। लेकिन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन भी पंचभूत का बना हुआ है, शरीर भी पंचभूत का बना हुआ है, तो पंचभूत का पंचभूत से स्पर्श होता है। और आत्मा जो अभी अपने स्वरूप को भूलकर उसने अपने आप को शरीर मान लिया है, यानी शरीर के सुख को अपना सुख और शरीर के दुख को अपना दुख, मन के सुख को अपना सुख और मन के दुख को अपना दुख। मन यदि प्रसन्न है सोचता है मैं प्रसन्न हूँ, मन यदि खिन्न है सोचता है मैं खिन्न हूँ। तो समस्त आध्यात्मिक चर्चाओं का उद्देश्य है व्यक्ति को भौतिक चेतना से ऊपर उठाकर अध्यात्म के धरातल पर स्थित करना। पहले यह बात भली भांति समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जीवन की मूल समस्या इस भौतिक जगत में आबद्ध होना है, 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करना है, यानी जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य है इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। यानी जब तक व्यक्ति इस प्रकृति में स्थित है तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि इस पुरुष के अतिरिक्त एक अन्य पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। उपद्रष्टा, द्रष्टा यानी जीवात्मा, उसके निकट, उप यानी निकट, एक अन्य द्रष्टा है जो हमारी सारी क्रियाओं को नोट कर रहा है। वो कौन है? वो परमात्मा है, उपद्रष्टा। जैसे मानो आप किसी थिएटर में चले गए और आप सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपके पिताजी भी बाजू में बैठे हुए हैं, वो कौन है? उपद्रष्टा है वो। उसी प्रकार इस शरीर में एक पुरुष है, एक अन्य पुरुष है, उसे परम पुरुष कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं। तो पहला गुण है उपद्रष्टा, बहुत निकट से हमारे सारी क्रियाओं को नोट कर रहे हैं, यहाँ तक हमारे आइडियाज़ को भी नोट कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता, वो अनुमति देने वाले हैं, अनुमति दाता हैं। भर्ता, वे एक प्रकार से हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। भोक्ता, समस्त कार्यों के भोक्ता हैं। महेश्वर, वे महाईश्वर हैं, वे परमेश्वर हैं। परमात्मेति चाप युक्तो, उसे परमात्मा कहा गया है, परमात्मे च युक्ता, उक्ता यानी कहा गया है। देहे अस्मिन, देहे इस शरीर में, अस्मिन इस देह में, अस्मिन पुरुषः परा, वह इस पुरुष से परे है, वो श्रेष्ठ है। यानी जो पीछे के श्लोक में जिस पुरुष की बात कही गई जीवात्मा के बारे में, उससे परे है, उससे एक अन्य दिव्य श्रेष्ठ एक पुरुष है जिसे परमात्मा कहा गया है। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, इस शरीर में जीवात्मा से भिन्न एक अन्य पुरुष है जो साक्षी अनुमोदनकारी
भरण पोषण करने वाला परम भोक्ता परमेश्वर है, जिसे परमात्मा कहा गया है। तो आत्मा सीमित है, एक शरीर में है, लेकिन परमात्मा के हाथ पैर मुख सिर सर्वत्र फैले हुए हैं। सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके। यही अंतर है आत्मा में और परमात्मा में। तो जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति है, तट पे स्थित होने के कारण अधिकांशतः वह माया से प्रभावित होती है, और कभी कभी भगवान की अंतरंगा शक्ति दैवी शक्ति से प्रभावित होती है। तो जीवात्मा के जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी क्लेश हैं, उसका मूल कारण क्या है? बहिरंगा प्रकृति से प्रभावित होना, यानी माया के प्रति मोहित होना, माया मुग्ध होना। माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया के प्रति मुग्ध होने के कारण जीव को स्वयं का भी ज्ञान नहीं होता और कृष्ण का भी कोई ज्ञान नहीं। सभी वही यही सोचते हैं मैं शरीर हूँ। यदि उसके बैंक में करोड़ों रुपये हो, सोचता है मैं करोड़पति हूँ। यदि वो किसी अधिकारी के पद पे है, सोचता है मैं अधिकारी हूँ। लेकिन है क्या? वो भगवान का अंश है। मूलतः जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वो भगवान का दास है, लेकिन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलकर उसने नाना प्रकार की उपाधियों को पकड़ लिया है और इसीलिए सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। जिस समय वो उपाधियों से मुक्त हो जाता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, वो निर्मल बन जाता है और सारे उसके जीवन के क्लेश विदा हो जाते हैं। यानी जब तक व्यक्ति गलत पहचान करता है, उसके जीवन में दुख और क्लेश छाया की तरह पीछा करेंगे, चाहे वो कहीं भी क्यों न पहुंच जाए। तो यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह चाहता है कि अपने जीवन के समस्त क्लेशों को मिटाना, तो उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, इस स्थिति में उसे अवस्थित होना चाहिए। जितनी मात्रा में इस स्थिति में अवस्थित होगा, उसी अनुपात में उसके जीवन से दुख विदा होंगे। तो यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही समान धर्मी हैं, समान धर्मी यानी कि दोनों ही सत हैं, दोनों ही ज्ञान स्वरूप हैं, दोनों ही आनंद स्वरूप हैं, लेकिन जीवात्मा क्षुद्र होने के कारण, अंश होने के कारण अज्ञानता से प्रभावित होती है, लेकिन परमात्मा पूर्ण होने के कारण, मायाधीश होने के कारण, माया से अतीत होने के कारण, परमेश्वर होने के कारण वे कभी भी अज्ञानता से प्रभावित नहीं होते, चाहे वे किसी भी शरीर में यात्रा क्यों न करें। एक श्लोक और कर लेते हैं। या एवं वेति पुरुषम प्राकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। अभी भगवान बताते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने का क्या फल है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, परमात्मा के बारे में जानता है, तो उसे कौन सा लाभ प्राप्त होने वाला है? भगवान कहते हैं स एवं वेति पुरुषम। जो व्यक्ति वेति यानी जानता है, पुरुषम उस पुरुष के बारे में, प्राकृतिम उस प्रकृति के बारे में, च पुरुष का अर्थ यहाँ पर परम पुरुष या परमात्मा से लेना चाहिए। प्रकृति में दोनों आएंगे, एक माया जड़ जगत निकृष्ट प्रकृति और एक उत्कृष्ट प्रकृति यानी जीवात्मा। यानी जो व्यक्ति उस परमात्मा को जानता है, प्रकृति को जानता है, जीवात्मा को जानता है, गुणई सह गुणों के साथ सर्वथा वर्तमानों अपि, वो इस वर्तमान काल में भी हर प्रकार का कार्य करते हुए भी न सा वह नहीं भूयो अभिजायते, इस संसार में बंधन दशा को प्राप्त नहीं होता, वो हमेशा मुक्त रहता है। यानी जो व्यक्ति भली भांति आत्मा परमात्मा और इस प्रकृति को केवल समझना नहीं बल्कि विश्वास करना, ठीक ठीक जानना, तो व्यक्ति हमेशा मुक्त है इस संसार में। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो व्यक्ति परमात्मा यानी परम पुरुष, प्रकृति यानी माया एवं जीव शक्ति
को ठीक ठीक जान जाता है, वह इस संसार में व्यवहार करता हुआ भी फिर से जन्म नहीं लेता। यानी ऐसा व्यक्ति किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी देश, किसी भी काल में रहे, वो इस संसार के माया से अतीत है, वो कभी भी बद्ध नहीं होगा, उसे इस संसार के दुष्चक्र में फिर से नहीं आना होगा, वो इस संसार से अलविदा कहेगा और भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो संसार से मुक्त है, वो तो मुक्त है ही, लेकिन अन्य कोई दूसरा संसारी बद्ध जीवात्मा भी यदि इनके संसर्ग में आता है तो उनकी कृपा से, उनके शिक्षाओं का पालन करके वो भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ पुरुष का संग करना चाहिए, जो हमारे जीवन की जो मूल समस्याएं हैं उसका समाधान प्रस्तुत करने में तत्पर हैं। अन्यथा अध्यात्म के नाम पर कई प्रकार के मनगढ़ंत चीज़ें समाज में व्याप्त हैं, हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।